खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में देश के बहुत चर्चित मामला अयोध्या के फैसले को लेकर पूरे शहर में शांति बनाने में नगर वासियों एवं प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका। नगर में प्रशासन व पुलिस प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया, जिसकी सभी नगर वासियों के द्वारा सराहना की जा रही है। नगर वासियों ने सभी धर्मों के लोगों से शांति की अपील की व सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वह हम सभी को मान्य। हमारे देश की उन्नति के लिए इस फैसले को मानकर देश के विकास कार्य में योगदान देना चाहिए। नगर के हर चौराहे पर पुलिस गार्ड बैठा हुआ है। पुलिस पॉइंट बनाकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। साथ ही पूरे नगर में पुलिस प्रशासन व प्रशासन पेट्रोलियम घूमकर सारी स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। SGOP नागेंद्र सिंह बेस व थाना प्रभारी नरसिंहगढ़ ने बताया कि नगर के सभी लोगों ने शांति व्यवस्था बनाने में जो सहयोग दिया है हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। सभी नगर वासियों ने नरसिंहगढ़ नगर में कौमी एकता का बेमिसाल परिचय दिया और सभी देशवासियों को शांति और अमन चैन का संदेश देकर मिसाल कायम की और कहा कि हमारा नगर सदियों से एकता और भाईचारे के नाम से जाना जाता है। जो भी निर्णय आया उसको स्वीकार करें और ये भारत देश में जितने भी लोग रहते हैं सब अपने पारिवारिक सदस्य भाव से मिल मिलकर रहें, भाईचारे से रहें। देश की उन्नति होगी, देश को विकासशील देश बनाना है और माननीय प्रधानमंत्री जी इसीलिए अच्छा प्रयास करते हैं। और राम मंदिर का जो विषय है ये वर्षों पुराना विषय था और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो सर्वमान्य निर्णय, हम सबको स्वीकार है। उसमें हिंदू मुस्लिम सभी भाई का स्वागत कर रहे हैं। वो पुलिस प्रशासन का जैसे हमारे नरसिंहगढ़ नगर में पब्लिक और पुलिस का जो समन्वय और रोज सुबह शाम शहर के अंदर भ्रमण किया, शांति की अपील की, उसके लिए हम पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। जो मामला अयोध्या विवाद और इसमें चल रहा था, 500 साल पुराना ये विवाद था, 134 सालों से ये कानून के दायरे में आकर एक इसके ऊपर संज्ञान लिया गया। संज्ञान लेने के बाद इसमें कई प्रकार के मतभेद हुए, यहाँ तक कि ये एक ऐसा विवाद बना जिसने हमारे हिंदुस्तान को कई साल पीछे कर दिया, कई साल इसको पीछे कर दिया। लेकिन आज हम खुश हैं, एक भावी पीढ़ी जो हम अपने आप को भावी पीढ़ी मानते हैं कि इस विवाद को हम अपनी आंखों से सुलझता हुआ देख रहे हैं। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने सारे हिंदू भाइयों को जो उससे आस्था रखते हैं। आज उनको उनकी आस्था का एक जगह मिल गई है। एक हम इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं कि आपके लिए ये चीज़ आपको मुबारक हो। दूसरी बात ये है कि ये जो चीज़ आज आपके पास आई है और जो श्री राम जो तुम्हें सिखा गए हैं आज वो तुम्हें साबित करने का टाइम है। आज तुम्हें बताना है कि अब ओरिजिनल हम राम को मानने वाले हैं, राम के आदर्शों को मानने वाले हैं। अगर यहाँ आकर अगर हम अपने देश को राम की बनाई भूमिका पर लेने के बाद अगर उस चीज़ को अगर नहीं जी पाए, या जो उनके ज़माने में होता था, राम के ज़माने में जो होता था, हर धर्म हर वर्ग उनसे मोहब्बत करता था। आज मैं मुसलमान होने के नाते ये बात कहता हूँ कि मैं तमन्ना करता हूँ, ये उम्मीद। आज जो बातें आज से 25 या 30 साल जो पुराना जो ये मामला जो चल रहा था, आज शासन ने, देश के प्रधानमंत्री ने और बाकी सभी गुरु धर्मों ने जो बैठ के ये ऐतिहासिक जो फैसला लिया है, कौमी एकता की तरफ से भी और हिंदू धर्म की तरफ से भी जो आज ये फैसला आया है, बहुत ऐतिहासिक फैसला है। अब ना तो कभी शहर में जो उनने चाहा था, देश के प्रधानमंत्री ने वो आज उन्हें करके दिखा दिया है कि हिंदू मुस्लिम कौमी एकता जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। बाउरी मस्जिद का ये बहुत वर्षों से फैसला चल रहा था, इस वजह से हिंदू और मुस्लिम भाइयों में हमारे कई बार मतभेद होते रहते थे, लेकिन आज ये फैसला आया है ये बहुत बढ़िया फैसला है। मंदिर को मंदिर मिल जाएगा, जगह दे देंगे, हमारी मस्जिद बन जाएगी और हमारा जो पूरे अभी NP में ही, मतलब नरसिंहगढ़ की बात नहीं है, ये प्रशासन का जो रोल रहा बहुत ज़बरदस्त रहा है। हिंदू मुस्लिम भाइयों को मिला के प्रशासन साथ होके इनने जो एक बहुत अच्छा प्रशासन ने एकता का
परिचय दिया वो बहुत बेहतरीन है और हर जगह ऐसा होना चाहिए। और जो भी काम है अपनों को सबको हिल मिल के करना चाहिए और अपना देश यूं ही तरक्की करता रहे। इन चीज़ों में पिछड़ने में, इन चीज़ों में पढ़ने में अपना देश बहुत पिछड़ गया है। मैं तो ये कोशिश करता हूँ ऐसे भी जो और भी मुद्दे हों वो जल्द से जल्द निपटा लेना चाहिए और विकास की तरफ अपने देश को आगे बढ़ना चाहिए। राजगढ़ से रोहित राजपूत की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।